अलीगढ़ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात दही हांडी का कार्यक्रम के दौरान हिंसक झड़प का मामला सामने आया है। दरअसल जन्माष्टमी कार्यक्रम के दौरान कुछ युवकों पर दूसरे समुदाय के युवकों से विवाद हुआ। आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने एक पक्ष के युवकों के साथ मस्जिद में ले जाकर मारपीट की। इसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना मिलने के बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गई। मामला थाना दिल्ली गेट क्षेत्र के गूलर रोड का है, जहां इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल जन्माष्टमी के चलते गूलर रोड पर कुछ लोगों ने दही हांडी का कार्यक्रम रखा था, जिसको देखने के लिए आसपास के क्षेत्रों के युवक पहुंचे। इसी दौरान इलाके के कुछ दूसरे समुदाय के युवकों के साथ विवाद हो गया। आरोप है कि दूसरे पक्ष के कुछ लोगों ने एक पक्ष के लोगों के साथ मारपीट कर दी। आरोप है कि उनको मस्जिद में बंद करके पीटा गया। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मामला दो समुदायों के बीच का था, इसलिए एसएसपी समेत पुलिस के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की और घायल युवक का इलाज कराया। क्या नाम है और क्या घटना हुई थी भैया? जी भैया, हमारी वहाँ पे जन्माष्टमी उत्सव बन रहा था गली नंबर 1 में। तो यहाँ पे कुछ मुस्लिम लड़के आते हैं, वहीं आना जाना उनका रहता हुआ, पता नहीं इतना मेरे को। तो वो हमारी बहन, छोटी बहन वगैरह जो डांस वांस कर रही थी वहाँ पे, तो उन पर कमेंटबाजी वगैरह कर रहे थे। तो हमारे कुछ भैया थे, उन लोगों ने उन पर का ऑब्जेक्शन लाया कि भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्यों ऐसा कर रहे हो। तो हमारे एक दोस्त था, तो उसको मतलब उसने ऑप्शन उठाया, पीछे ले गया, भैया क्या बात है, ये क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। दुरुप नाम का लड़का, तो उसने ऐसा कहा कि भैया क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे लड़के अगर सबसे। तो उन लोगों ने ये करा कि मेरे दोस्त के दुरुप के चांटा मार दिया। तो हम लोग वो तो वहाँ से चले गए, वो लोग वहाँ से। अब उनके घर पे हम शिकायत करने गए थे, जो मुस्लिम लोग थे। तो उन लोगों ने क्या करा, हम लोग शिकायत करने का उन्होंने बताया, उन्हें ये बात हुई है। तो उनके अड़ोसी पड़ोसी पता नहीं क्या थे, घर वाले थे, उन लोगों ने हम पे एक तरीके से हमला सा कर दिया, किसी की हमारी चांद फाड़ दी, किसी को कुछ कर दिया, ऐसे ऐसे बात। लगभग कितने लोग घायल हैं? लगभग मेरे हिसाब से अंकल 5-6 लोग घायल हैं। यहाँ पर गली में दही हांडी का कार्यक्रम हो रहा था आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। तो वहाँ पर दोनों समुदाय के लोग मौजूद थे। तो मुस्लिम पक्ष के कुछ लड़कों ने वहाँ कुछ लड़कों की पिटाई वगैरह कर दी और उसके बाद यहाँ मस्जिद में खींच के ले गए, और उनकी काफ़ी चोटें आई हैं। 5-6 लोग घायल हैं, जिसमें से 3-4 लोगों का डॉक्टरी परीक्षण भी हो चुका है, बाकी लोगों का गया है। अभी पुलिस को यहाँ के स्थानीय लोगों ने उन लोगों के जिन्होंने ये उपद्रव किया है उनके नाम बता दिए हैं। तो बाकी पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन घटना दुखद है। मस्जिद के अंदर आज हिंदुओं का इतना पवित्र त्यौहार है, उस त्यौहार पर खींच के ले जाने की घटना की हम लोग निंदा करते हैं। वही इस मामले में अलीगढ़ के एसएसपी कलानीति नैथानी ने इस घटना में शामिल 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। साथ ही इलाके के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। देर रात थाना दिल्ली गेट के गूलर रोड स्थित क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि वहां पर दो पक्षों में आपस में लड़ाई हुई है। इस पर तत्काल मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची, क्षेत्राधिकारी, एसपी सिटी एवं मेरे स्वयं द्वारा वहां पर पहुंच करके कार्रवाई प्रारंभ की गई है। वैधानिक कार्रवाई प्रचलित करते हुए जो घायल थे, सर्वप्रथम उनको अस्पताल भेजा गया और उनकी तहरीर के आधार पर जो आरोपित पक्ष है उसमें से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें संपूर्ण क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम कर दी गई है। प्रथम दृष्टया ये जो मामला बताया गया है, छींटाकसी से लेकर के शुरू होना बताया गया है। इसमें समस्त वैधानिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सुसंगत धाराओं में जो मुकदमे पंजीकृत हैं उसके क्रम में गिरफ्तारियां की गई हैं। आगे भी निष्पक्ष विवेचना के लिए आदेशित कर दिया गया है। क्षेत्र में पूर्ण शांति कायम है, इसके लिए वहां पर पिकेटिंग भी कर दी गई है और पेट्रोलिंग लगातार जारी है। बहरहाल घायलों का मेडिकल कराया गया, साथ ही दोनों पक्षों की तहरीर पर पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी है। पुलिस का कहना है कि जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी के लिए अलीगढ़ से अर्जुन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।